हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल बीटेक में। और आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि अपडेट के बारे में, दोस्तों जो अपडेट होता है वो किस तरह से काम करता है और क्या चीज़ होती है, चलो इसी के बारे में आज बात करेंगे हम। दोस्तों जो अपडेट होता है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है किसी फ़ोन के बारे में, जो भी मॉडिफिकेशन उस एप्लीकेशन या फिर प्रोग्राम में लानी हो तो उसके लिए अपडेट का यूज़ किया जाता है। मान लो दोस्तों किसी चीज़ में किसी चीज़ की बहुत बड़ी कमी रह रही है और उसी कारण वो चीज़ मार्केट में पिछड़ती जा रही है, उस चीज़ को फुलफिल करने के लिए हम अपडेट का यूज़ करते हैं। जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं कि एंड्रॉयड में भी अपडेट आते रहते हैं, जैसे कि एंड्रॉयड में दोस्तों और सही तो जानते ही होंगे जो अभी मार्शमेलो से नोगट और नोगट से ओरियो से पाई तक अपडेट पहुँच चुके हैं। कई स्मार्टफोन्स में एंड्रॉयड पाई के अपडेट भी आ रहे हैं, जैसे कि आप जानते कि गूगल पिक्सल के फ़ोन में तो उससे पहले पाई के अपडेट आते हैं। इस तरह से ही जो उसमें भी मॉडिफिकेशन होगी उस तरह की मॉडिफिकेशन में वो सपोर्ट करेगा। जैसे कि दोस्तों जो एंड्रॉयड पाई और ओरियो और नोगट है उसमें आपको गूगल असिस्टेंट का सपोर्ट भी मिलता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और इसी तरह से काफ़ी अच्छी ढंग से मॉडिफिकेशन होती रहती है फ़ोन्स में। और दोस्तों जो अपडेट होता है वो ना केवल एंड्रॉयड में बट कुछ गेम्स में भी आता रहता है, लगभग हर गेम्स में आज की डेट में आता रहता है जो इंटरनेट से कनेक्टेड होती है। जैसे कि आप जानते हैं कि पबजी में अपडेट आता रहता है, हर एक महीने बाद पबजी में अपडेट आता रहता है, उसमें कुछ मैप्स आएंगे, कुछ अपडेट आएगा, कुछ बग्स जो होती है उसको सॉल्व करता है। इसी तरह से जो स्किन्स होती है स्मार्टफोन्स की, जैसे कि MIUI है उसमें भी अपडेट आता रहता है, मैक्सिमम ज़्यादातर उसमें अपडेट आता रहता है अगर अब किसी स्मार्टफोन स्किन की बात करें तो। और दोस्तों इसी के साथ साथ कुछ ग्राफिक्स अच्छा ठीक करने हो, कुछ बग्स रह जाते हैं स्मार्टफोन्स में या फिर कुछ किसी भी प्रॉब्लम में कुछ स्मार्टफोन हो जाता है तो उसको सॉल्व करने के लिए उसका यूज़ किया जाता है। लेकिन स्मार्टफोन में अगर आप बात करें जैसे कि कोई पुराना 1 या 2 जनरेशन पुराना हो जाता है, वो धीरे धीरे उस अपडेट के कारण स्लो होता रहता है, क्योंकि जो दोस्तों अपडेट होता है वो न्यू फोन्स को देखते हुए बनाया जाता है कि न्यू फोन्स में क्या इंपॉर्टेंट है। उसमें बहुत कम चांस होता है कि पुराने फोन्स को देखा जाए कि पुराने फोन्स में क्या चीज़। फोन्स की जो अपडेट होता है वो ना केवल उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर पर बैटरी जो उसकी थी उसके ऊपर भी काफ़ी इफेक्ट डालता है, उसकी बैटरी को काफ़ी स्लो और काफ़ी मतलब कि कमज़ोर बना सकता है। लेकिन दोस्तों कई अपडेट इतने कंपल्सरी होते हैं कि उसके बिना कोई एप्लीकेशन काम ही नहीं करती, उसको अपडेट की जरूरत हो जाती है। अगर आप देखा जाए कि व्हाट्सएप को, अगर पबजी को देखा जाए तो उसको अपडेट की जरूरत होती है, उसको न्यू स्टाइल में। अगर आप जानते हैं कि जैसे कि आजकल 10.0 चला हुआ है, इसी तरह से अपडेट आते रहेंगे, जैसे कि 11 आएगा, 12 आएगा, इसी तरह सीज़न जैसे ख़त्म होता है अपडेट आते रहते हैं या फिर हर एक महीने बाद अपडेट आते रहते हैं, और उन अपडेट को करना बहुत कंपल्सरी हो जाता है। अगर वो अपडेट ना किया जाए तो उसके बिना फ़ोन की जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी तो रहती है लेकिन जो उसकी गेम होती है वो लैग करना या फिर कुछ डिमांड्स बढ़ जाती है उसकी, जिसके अपडेट करना ही पड़ेगा उसके लिए। तो दोस्तों इस चीज़ के लिए मतलब कि अगर आप देखा जाए तो अपडेट अच्छी बात है लेकिन परफॉर्मेंस और बैटरी को स्लो करती है, ये बात भी काफ़ी सही बात है। और दोस्तों जो अपडेट होता है वो बहुत ही रेयर चांस है कि जो अपडेट है वो उस एप्लीकेशन को सपोर्ट ना करे या फिर उस एप्लीकेशन को वो बिल्कुल ख़राब कर दे, क्योंकि दोस्तों जो भी अपडेट होते हैं वो अच्छा ही डालते हैं फ़ोन्स में, जो मॉडिफिकेशन होते हैं उसको ही डालते हैं, कुछ न्यू जनरेशन टाइप आती है तो उसको ही डालते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक बात ये भी आती है कि जो अपडेट है वो हर एक चीज़ को कैसे मतलब कि सपोर्ट करते हैं, हर एक जो डाटा बेस है उसमें कैसे जाते हैं। तो दोस्तों इसमें हमारा आता है एक IP एड्रेसिंग, जो भी दोस्तों इंटरनेट के साथ चीज़ें जुड़ी होती है उसको हर एक चीज़ को यूनिक एड्रेस दिया जाता है, उसको IP एड्रेस कहते हैं, और IP एड्रेस के थ्रू ही हमें अपडेट मिलते हैं। दोस्तों इसमें एक टॉपिक आता है, अगर हम किसी चीज़ को अपडेट करते नहीं है और उसकी काफ़ी टाइम तक यूज़ करते हैं, काफ़ी टाइम तक यूज़ करते हैं तो दोस्तों उसमें कभी ना कभी तो अपडेट की जरूरत पड़ी जाएगी। आप कुछ भी मॉडिफिकेशन या फिर कुछ भी एक्स्ट्रा फ़ोन में करना चाहो जो कि आपके लिए हेल्पफुल हो, अगर वो उसको सपोर्ट ना करती है तो आपकी जो परफॉर्मेंस होगी वो बिल्कुल ही ख़राब हो जाएगी। जैसे कि दोस्तों आप सब जानते हो कि अगर आप आज की डेट में किटकैट का यूज़ करें एंड्रॉयड ओरियो की जगह, तो दोस्तों किटकैट जो यूज़र है वो उसको अच्छा लगेगा, लेकिन जो एंड्रॉयड ओरियो है अगर वो किटकैट का यूज़ करे तो उसकी मतलब कि वो सोचेगा कि यार काम पर आ गया, काफ़ी अच्छा मतलब कि उसकी जो परफॉर्मेंस है उसको वो डल कर देगा।
इसलिए दोस्तों अपडेट बहुत ज़रूरी चीज़ है। जो अपडेट होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है अपनी ग्राफिक या फिर अपनी परफॉर्मेंस के लिए, आपको अपडेट करना ही चाहिए। मेरी मानो तो आप अपडेट कर देना, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलना, और चैनल आपका इस चैनल में स्वागत है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना और कमेंट कर देना। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।